तो दोस्तों आ गए आप, तो मैं ये लाइट अपने साथ लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है अंधेरे में बहुत डर, तो ये सोलर से चार्ज होती है और लाइट देती है और उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, भले ही ये स्ट्रीट लाइट है ऑल इन वन। तो आज हम जा रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में करने सारी की सारी सोलर ऑल इन वन स्ट्रीट लाइट की अनबॉक्सिंग और उनकी टेस्टिंग के वो अंधेरे में कितनी रोशनी देती है। तो आज हम करेंगे ये 30 वॉट 60 वॉट 90 वॉट 120 वॉट और 180 वॉट की सबकी अनबॉक्सिंग। सब्सक्राइब नहीं करा पहली फुर्सत में जाओ ना यार, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो भाई हूं छोटा, प्यार नहीं दे सकते, तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करके आइए, लाइक करके आइए, शेयर करके आइए, आई लव यू सो मच, बाय। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने, सबसे पहले ये वाले मॉडल की जो कि आता है 30 वॉट के अंदर। तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले दोस्तों इसके बॉक्स पे क्या लिखा है, फिर इसको अनबॉक्स करेंगे और इसको फिर देखेंगे कि अंदर कैसा लगता है ये। तो दोस्तों इसमें हमारे को देखने को मिलता है जो कि है सोलर चार्जिंग होती है क्योंकि इसमें सोलर पैनल लगा हुआ है, इंटेलिजेंट इंडक्शन है मींस इसमें मोशन सेंसर है, IP65 रेटेड है मींस अगर बारिश होगी तो आपकी ये लाइट खराब होने वाली नहीं है, वाइड रेंज ऑफ इल्यूमिनेशन है इसके अंदर दोस्तों यानी कि 120 डिग्री का ये एरिया कवर करती है, नो वायर, किसी भी वायर की झंझट नहीं है, सीधा पोल पर जाकर टांग देने का आप उनको, और एनर्जी सेविंग, और ये एनर्जी सेविंग करती है क्योंकि दोस्तों इसमें आपको कोई डेसू से तो आपको बिजली लेके लगानी नहीं है, सोलर से चार्ज होगी और डिस्चार्ज होगी। अब इसके अंदर ये सोलर का मिलता है, सोलर से चलती है, IP65 रेटेड है, लिथियम आयन बैटरी है, इंडक्शन सेंसर है, नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी इसकी तारीफें लिखी हुई हैं। और इसके पीछे हमारे को देखने को मिलता है दोस्तों ये है एक रिमोट कंट्रोल, इसमें हमारे को मिलता है एक रिमोट जो कि अगर आप इसको पोल पर टांग दो तो आपको बार बार पोल पर ना चढ़ना पड़े, तो आप इसको रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो इजीली, और यहाँ पे इसकी वोल्टेज वगैरह ये सब लिखी हुई होती हैं। तो बिना किसी देरी के दोस्तों हम इसको यहाँ से खोलते हैं, ये बॉक्स के अंदर ऐसे आती है, हम लाइट को पकड़ के निकालते हैं बाहर, वाइट रंग का बॉक्स आता है इसका और इसके अंदर हमें कुछ नहीं मिलता, देख सकते हो आप। अब बॉक्स रखता हूँ मैं साइड में, ये रहा दोस्तों इसका रिमोट, रिमोट कंट्रोल अभी हम रखते हैं साइड में और इसको निकाल लेते हैं ये बबल रैप से बाहर। तो दोस्तों ये रही हमारी लाइट, सोलर लाइट, ये 30 वॉट की लाइट है दोस्तों, और इसके अंदर जो ये पैनल मिलता है हमारे को ये 6 वोल्ट और 5 वॉट का पैनल मिलता है दोस्तों इसके अंदर, और इसके अंदर जो बैटरी हमारे को मिलती है दोस्तों वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो मिलती है दोस्तों इसके अंदर हमारे को जो बैटरी मिलती है 3.2 वोल्ट और 6 एम्पियर की हमारे को इसमें बैटरी मिलती है, और 6 से 8 घंटे का इसमें हमारे को बैकअप मिलता है अगर ये कॉन्टिन्यूस यूज़ के अंदर होती है तो, मींस यानी कि अगर हम इसे ऐसी जगह इंस्टॉल कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट है तो 6 से 8 घंटे आराम से चलेगी ये वाली लाइट। और दोस्तों इसके और फीचर की बात करूँ तो इसमें जो इंडक्शन मोड है आप इसको ऑन करते हो तो ये फुल ब्राइटनेस पे चलेगी, मींस 30 वॉट प्रोवाइड करेगी, लेकिन अगर 5 मिनट्स तक नीचे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है तो ये अपनी ब्राइटनेस शिफ्ट कर देगी जो कि हो जाएगी 30% पे, मींस 30 वॉट का अगर आप 30% लगाओ तो वो आपका बैठ जाता है अराउंड 12 से 14 वॉट के बीच में अराउंड बैठ जाता है दोस्तों, तो 12 से 14 वॉट की इसकी इल्यूमिनेशन में चलेगी। तो यहाँ पे अगर मैं सोलर पैनल की बात करूँ दोस्तों ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है क्योंकि ये एक रेनोन ब्रांड से आती है जो कि है ल्यूमन सिटी, जो भी सारी लाइट मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये है दोस्तों ल्यूमन सिटी कंपनी की, इसमें 2 ईयर्स वारंटी मिलती है, अगर आपका कोई भी इसमें चीज़ ख़राब हो जाती है आपको कुछ नहीं करना, ल्यूमन सिटी को कॉल करना है, वो आपके यहाँ से पिकअप अरेंज कराएंगे और इसको रिप्लेस करके या इसको रिपेयर करके आपके उसी एड्रेस पे वापस भेज देंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम 30 वॉट को ऑन करते हैं, इसमें ये रहा ऑन का बटन, ऑन होते ही देखो ऐसी लाइट आ जाती है, और जैसे ही अगर हम इसको उसमें रखते हैं दोस्तों लाइट के अंदर लेके जाते हैं ये अपने आप ही बंद हो गई, और इसमें रेड कलर की आप देख सकते हो, अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ट्यूबलाइट के सामने लेके आया, विद इन 5 सेकेंड ये बंद हो जाएगी और इसमें रेड कलर की आप देख सकते हो दोस्तों लाइट जलने शुरू हो जाएगी जो कि देखती है कि कितना अंधेरा हो चुका है और कब इसको ऑन होना है, और इसकी ब्राइटनेस वाकई में बहुत तेज़ है दोस्तों, ये देखो बहुत तेज़ ब्राइटनेस मिलती है हमारे को, इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ। नीचे दोस्तों जो हमारे को पोल से कनेक्ट करने का अटैचमेंट है वो ये रहा, इसके अंदर लगे हुए हैं 2 स्क्रू एलन की वाले, हमें इसे खोलना है, इसमें 2 इंची का पाइप लगेगा और इसको लगा के टाइट कर देना है और ये एकदम ऐसे ही लगी रहेगी, सोलर से चार्ज होगी, जब ये सोलर से चार्ज होगी तो बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली और जब रात होगी तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। और इसके अंदर अगर मैं दोस्तों रिमोट को निकालूं बाहर तो इसके अंदर हमारे को देखने को मिलते हैं दोस्तों ऑन ऑफ का बटन, आप नीचे से ऑन ऑफ कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते ये लाइट जले तो ऑफ कर सकते हो, 2 आवर्स का इसमें आप टाइमर सेट कर सकते हो, जैसे ही अंधेरा हो उसके सिर्फ 2 घंटे चलनी है, उससे ज़्यादा नहीं चलनी, 4 घंटे चलनी है, 6 आवर्स चलनी है,
इंडक्शन मोड आपको ऑफ करना है या ऑन करना है, या इसको ऑलवेज आपको ऑन रखना है लाइट को। मीन्स आप चाहते हो कि अगर आपको नहीं बंद करना तो आप इसको ऑलवेज पे करके छोड़ सकते हो, तो ये इतनी ही ब्राइटनेस पे चलेगी। और इसके बाद आप 2 आवर्स का मोड सेट कर सकते हो कि ये 2 आवर्स ही चले और उसके बाद ही अपने आप ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। इसको मैं कर देता हूं दोस्तों बंद और बाकी की लाइट हम अनबॉक्स करते हैं, जिससे आपको पता लगे कि ऑरो की क्या डायमेंशन है और जो इसका रिमोट की फंक्शनैलिटी है। जब हम इसको रियल टाइम में बाहर सेट करेंगे तो मैं आपको रिमोट से वर्किंग इसकी प्रॉपर समझाऊंगा। तो इसको रखते हैं दोस्तों हम साइड में, ये लाइट हमने यहाँ पे रख दी है, इसका रिमोट कंट्रोल हमने यहाँ पे रख दिया। अब अगली बारी दोस्तों जो हमारे पास आती है वो आती है 60 वॉट की लाइट की। तो 60 वॉट की लाइट दोस्तों हम अनबॉक्स करते हैं। ये रहा 60 वॉट की लाइट। 60 वॉट की लाइट में भी दोस्तों वही सारी चीजें मिलने वाली है हमारे को। 60 वॉट की लाइट में दोस्तों सारे फंक्शनैलिटी वही रहने वाली है। ये इस टाइप की पैकेजिंग में आती है और बबल रैप हो गया, उसके बाद अंदर एक ये वाली पॉलिथिन होती है और इसके अंदर हमारे को मिलते हैं 30 वॉट और 30 वॉट, यानी कि 60 वॉट की ये लाइटें, प्लास्टिक की क्वालिटी। दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया ल्यूमन सिटी की कंपनी की है ये वाली, तो आपको क्वालिटी का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, A1 क्वालिटी आपको मिलने वाली है। और इसके पीछे दोस्तों ये रहा सोलर पैनल। इसकी अगर मैं आपको वोल्टेज बताऊं दोस्तों तो इसकी वोल्टेज रहती है दोस्तों 6 वोल्ट 9 वॉट का पॉलीक्रिस्टलाइन, ये आपका यहाँ पे सोलर पैनल है। और इसके अंदर जो बैटरी है वो है 3.2 वोल्ट एंड 12 एएच की बैटरी। इसके अंदर भी आपको 10 से 12 घंटे का बैकअप मिलता है। अगर ये कॉन्टिन्यूस यूज में है तो 6 से 8 घंटे आपके कहीं नहीं जाने वाले। वही इंडक्शन सेंसर मिलता है दोस्तों, ऑन ऑफ का बटन, 2 इंची के पाइप की जगह एलन की के साथ, और यहाँ पे आपको 2 ऐसे पैनल मिलते हैं 30-30 वॉट के ईच। अब मैं बंद कर देता हूँ। इसके साथ भी हमारे को रिमोट मिलता है, सेम वही फंक्शनैलिटी है, 2 इयर्स वारंटी, सारी चीज़ें। इसको भी मैं दोस्तों रख देता हूँ साइड में और अब हम करते हैं अगले वाले प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, जो कि है 90 वॉट का दोस्तों। तो ये आता है उससे बड़ी पैकिंग में दोस्तों। ये रहा 90 वॉट, सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, इंडक्शन मोड सब कुछ, सारी चीज़ें सेम बॉक्स है, वाइट कलर के अंदर 3 विंडोज। और ये हम निकालते हैं दोस्तों बाहर। इसके साथ भी हमारे को ये मिला रिमोट अपना, बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं आता। ये रहा रिमोट, ये रही पॉलिथीन, हटा दी हमने। ये रहा इसके ऊपर जो बबल रैप चढ़ा हुआ है दोस्तों, बबल रैप मैं 1 मिनट में निकाल देता हूँ। दोस्तों जब इसकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है और जो पैकेजिंग है वो ही बहुत अच्छी है, सुपीरियर है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रोडक्ट पैकेजिंग में आता है तो डैमेज होने के चांसेस बहुत ही बहुत नेग्लिजिबल हो जाते हैं। और इसको मैं रख देता हूँ साइड में। इसमें मिलती हैं दोस्तों हमारे को 3 विंडोज, 30-30-30 वॉट की ईच मिलती है, तो ये टोटल हो गया 90 वॉट। और ये रहा पीछे दोस्तों इसका सोलर पैनल, तो आप देख सकते हो सोलर पैनल ये रहा, और यहाँ पे माउंटिंग जो कैविटी है वो ये रही। इसमें 2 इंची का पाइप लगा के एलएनजी से टाइट कर दीजिए और एकदम सेम वही प्लास्टिक बॉडी है दोस्तों, ड्यूरेबल, जो कि आसानी से टूटने वाली नहीं है। और इसकी अगर मैं दोस्तों अगर आपको मैं बात बताऊँ इसके सोलर पैनल की, तो ये है दोस्तों इसकी, इसका ये है दोस्तों आपका 6 वोल्ट 12 वॉट का दोस्तों हमारे को इसमें पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल मिलता है 6 वोल्ट 12 वॉट। और इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो लगी हुई है 3.2 वोल्ट और 18 एम्पियर की। तो इसमें मिलती है हमारे को लिथियम आयन बैटरी, सारी ही लाइटों में हमारे को लिथियम आयन बैटरी मिलती है। तो इसको रखते हैं दोस्तों अब हम साइड में, इसका रिमोट भी रख देते हैं साइड में। सारे फंक्शनैलिटी वही हैं, जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो एक लाइट में आपको टेस्ट करके सारे फंक्शन समझाऊंगा। तो अब हो गया हमारा ये 90 वॉट की अनबॉक्सिंग दोस्तों। अब आती है बारी 120 वॉट की, यानी कि जिसमें होने वाले हैं 4 पैनल। तो 4 पैनल दोस्तों जो लाइट वाले हैं, बाकी में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट्स हैं दोस्तों, ये प्ले ग्राउंड वगैरह इन सब में लगने के लिए बहुत ही अच्छी हैं, ऑफिसेज वगैरह, ऑफिसेज के गार्डन्स में, रूफ पे, रूफ टॉप पे, और ये उतने ही उस हिसाब से ही बल्कि होती जाती हैं। तो ये मैंने निकाल लिया दोस्तों, इसका रिमोट ये रहा, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और इसके ऊपर भी वैसा ही रैप आता है, बबल रैप, और पैकेजिंग प्लास्टिक की। इसको मैं रख देता हूँ साइड में। और ये रही दोस्तों हमारे पास लाइट, जो कि आप देख सकते हो, ये रहा सोलर पैनल और ये रही लाइट। तो 4 पैनल की लाइट है दोस्तों इसमें, 1, 2, 3, 4 30 वॉट ईच, यानी कि 4 3 12, 120 वॉट मिल रहा है इसमें हमारे को दोस्तों। इंडक्शन सेंसर इन सब के अंदर ही है। और अगर मैं इसके
उसकी बात करूं दोस्तों कि इसमें कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, कितने एम्पियर की बैटरी लगी है, तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो सोलर पैनल है दोस्तों वो 6 वोल्ट 15 वाट का है, जो 6 वोल्ट जनरेट करता है और 15 वाट का पैनल है। और इसके अंदर दोस्तों अगर मैं बैटरी की बात करूं तो 3.2 वोल्ट 24 एएच की बैटरी हमारे को इसके अंदर मिलती है, मीन्स जिसके अंदर ये आपको लाइटनिंग टाइम देगी 10 से 12 घंटे का और इसको चार्जिंग टाइम चाहिए 6 से 8 घंटे का। 6 से 8 घंटे का टाइम दोस्तों इन सबको ही चाहिए और इनका जो बैकअप है वो 10 से 12 घंटे इजीली रहता है। फंक्शनैलिटी दोस्तों इन सबकी सेम होने वाली है, बस 120 वॉट में ये डिफरेंस आ जाता है कि इसके अंदर 4 माउंटिंग स्क्रू आ जाते हैं, क्योंकि ये बड़ी है और हैवी है तो इसकी वजह से आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 तो ये अच्छी तरह कसी जाए, और क्योंकि हैवी है इसकी वजह से कहीं ये उड़ ना जाए, इसकी वजह से इसके अंदर 4 माउंटिंग होल्स दिए जाते हैं। तो इसका रिमोट भी दोस्तों मैं रख देता हूं यहां पे साइड में। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने 180 वॉट की। 180 वॉट समझते हो दोस्तों जो हमने लास्ट टाइम करी थी, लेकिन उसका अपना आपको दिखा नहीं, ये है भी तो बहुत है, तो मैं आपको दिखा नहीं पाया था कि ये कैसी लाइटनिंग करती है, मीन्स अंधेरे में कैसे जलती है। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, इस पर लगी हुई है टेप, तो टेप मैं सारी हटा देता हूँ। एक जगह से टेप हटा ली मैंने, दूसरी जगह से भी हटा ली और तीसरी जगह से भी हटा ली। अब मैं इसको खोल लेता हूँ दोस्तों, ये थोड़ी बल्की है, इसके अंदर कुछ नहीं है। इसका रिमोट दोस्तों ये रहा, नीचे गिर गया, तो ये रिमोट मैं रख देता हूँ दोस्तों साइड में। ये आती है बबल रैप के अंदर पूरी, तो मैं जल्दी से इसका बबल रैप पूरा हटा देता हूँ। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में मिलती है दोस्तों। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसके सोलर पैनल पे भी थर्माकोल है, क्योंकि ये बहुत बड़ी है, इसका पैनल भी बड़ा है, तो कहीं कुछ ब्रेकेज ना हो इन बिटवीन रास्ते के अंदर, तो इसकी वजह से ये इतनी प्रिकॉशन लेके पैक करते हैं। इतना तो बबल रैप चढ़ा हुआ है इसमें दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों बबल रैप, ये मैं हटा देता हूँ जल्दी से, ये मैंने हटा दिया। और इसके बाद भी अच्छा, ये पॉलिथिन के थ्रू इसको थर्माकोल लगाया हुआ है, तो ये भी मैं हटा देता हूँ, तो ये थर्माकोल भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगी। दोस्तों क्वालिटी वाकई में, मैंने छोटे से बड़े साइज तक मैंने देखा, तो इसकी क्वालिटी में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज मेरे को नहीं लगा। और ये जो मटेरियल है थ्रू आउट ईच वॉटेज, मटेरियल की क्वालिटी बहुत सही है। इसके अंदर ये जो लोहे का फ्रेम है दोस्तों, वो सब यहीं तक नहीं है, वो पूरा अंदर की साइड से पूरा लोहे का फ्रेम है जिस पे ये सारी चीज़ें कसी हुई हैं, पैनल लगा हुआ है, इंस्टॉल हुआ है। उसके बाद उसको एक अच्छा लुक देने के लिए ये वाली जो प्लास्टिक की बॉडी है ये इसके ऊपर लगाई गई है। और ये प्लास्टिक की बॉडी ऐसी नहीं है दोस्तों, बहुत हल्की है, बहुत ही सॉलिड बॉडी है ये। और इसके अंदर भी हमारे को 4 स्क्रू मिलते हैं जिनसे कि हम इसको पोल पर टाइट कर सकें। और पीछे अगर आप पैनल देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही बड़ा पैनल है इसके पीछे, जिसकी मैं वोल्टेज आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो कि है दोस्तों 25 वॉट का पैनल और 6 वोल्ट जनरेट करता है ये। 6 वोल्ट 25 वॉट का पैनल मिलता है हमारे को इसमें। और इसके अंदर दोस्तों जो हमारे को बैटरी मिलती है वो मिलती है 3.2 वोल्ट और 30 एम्पियर की, और 180 वॉट का ये टोटल लाइट है। मोशन सेंसर 10 से 12 घंटे का इसका वर्किंग टाइम है और 6 से 8 घंटे इसको चाहिए चार्जिंग होने के लिए। तो दोस्तों इसके अंदर आप जैसे कि देख सकते हो, जो भी ये 6 पैनल्स हैं इसमें आप देख सकते हो हर एक पे पॉलिथीन चढ़ी हुई है जिससे कि स्क्रैचेस ना आए। और आप जब इसको इंस्टॉल करो तो आप ये पॉलिथीन निकाल दो, और जब क्योंकि आपको ये फुल ब्राइटनेस देगी, यानी कि इसके जो ये कर्वेचर है जिससे कि ये लाइट डिस्पर्स करता है, तो प्रॉपरली लाइट डिस्पर्स हो। और इसके अंदर सारे के सारे वही सारे फंक्शन हैं दोस्तों जो मैंने पहले वीडियो में बताए थे। अब हम जा रहे हैं इसको दोस्तों ऊपर छत पे लगाने, अंधेरे के अंदर हम हर एक की ब्राइटनेस टेस्ट करेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि ब्राइटनेस कितनी है इन सब लाइटों में वो आपको देखनी है। तो अब हम 30, 60, 90, 120 और 180 की वॉटेज जो लाइट है इनकी, वो हम आपको डिस्क्राइब करेंगे और दिखाएंगे। दोस्तों आपको दिखाने के लिए मैंने जुगाड़ तो कर लिया है, बाकी आप इसके अंदर 2 से 3 इंच का पाइप लगा के इंस्टॉल कर सकते हो। मस्त एकदम, फिर धूम मचाना। तो दोस्तों जो आप ये देख रहे हो, ये 30 वॉट की लाइट है, जो कि ऑल इन वन सोलर लाइट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो इसमें कितनी रोशनी है, कितना इल्यूमिनेशन प्रोवाइड कर रही है। अगर आपको इसको रूफ टॉप के लिए यूज़ करना है, अपने छत पे गार्डन बनाया हुआ है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकती है अगर आपको इंटेंसिटी इतनी चाहिए। और ये भी सफिशियंट इंटेंसिटी है, इसमें आप आराम से रीडिंग भी कर सकते हैं।
और अब हम जा रहे हैं अगली वाली लाइट पे, और फंक्शंस सारी लाइटों के सेम ही है, ये आप जानते ही हो। तो हम जा रहे हैं इसके नेक्स्ट मॉडल पे, जो कि है 60 वॉट का मॉडल। तो दोस्तों, इस समय जिस लाइट के नीचे मैं खड़ा हूँ वो है 60 वॉट की लाइट, सोलर ऑल इन वन लाइट। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी इल्यूमिनेशन है इसकी, और ये अभी इस वाली रूफ पे अभी ये सिंगल ही लाइट लगी हुई है और कोई लाइट नहीं है, तो ये इसकी इतनी इंटेंसिटी आ रही है। अगर मैं इसको बंद करूंगा तो आप देखना कितना गुप्त अंधेरा है। तो देखा आपने दोस्तों कितना गुप्त अंधेरा था और ये लाइट कितना इल्यूमिनेशन दे रही है। तो ये इसमें भी दोस्तों सारे फंक्शन वही रहते हैं जो कि मैंने आपको बताया, इंडक्शन, मूवमेंट, ऑलवेज 2, 6, 4 आवर्स का इसके अंदर जो आप टाइमर सेट कर सकते हो, और रिमोट कंट्रोल तो आता ही है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट लाइट विच इज ऑफ 90 वॉट। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं 90 वॉट वाली लाइट पे। तो क्या आप देख सकते हो 90 वॉट वाली लाइट की इतनी इल्यूमिनेशन है, तो आपको फर्क लग रहा होगा कि हमने 30 वॉट में कितनी थी, 60 वॉट में कितनी थी, अब ये आ गई 90 वॉट। 180 वॉट में तो बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेशन रहती है, और वो मींस जहाँ पे आपका फार्म हाउस है या स्ट्रीट है तो उसके लिए तो 180 वॉट ही रिकमेंडेड है। ये आपका 30, 60 एंड जो आपका 90 वॉट है, ये रूफ टॉप गार्डन के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि वहाँ पे इतनी इंटेंसिटी नहीं चाहिए होती, मल्टीपल आपको लाइट्स लगानी पड़ती हैं। तो वो आपको 60 या 90 मेरे हिसाब से दोस्तों सबसे अच्छी है। 90 आप लगा सकते हो या 60 वॉट लगा सकते हो अगर आप रूफ टॉप पे लगा रहे हो, अगर आपका रूफ टॉप गार्डन है तो। और 180 उसके लिए रिकमेंड रहती है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ा आपको रोड पे लगानी है या आपका कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट ग्राउंड है, फार्म हाउस है, वहाँ पे आप लगा सकते हो इसको। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइट पे, जो कि है 120 वॉट की। तो दोस्तों ये है 120 वॉट की लाइट। तो आप देख सकते हो ये है 4 पैनल लाइट, और इसकी है इतनी अच्छी इल्यूमिनेशन जो कि आप देख सकते हो दोस्तों, यानी कि मल्टीप्लायर इफेक्ट है दोस्तों। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, अगर हम 30 वॉट वाली लेते हैं तो उसमें उतनी रोशनी मिलती है, और अगर हम जैसे जैसे वॉटेज बढ़ाते जाते हैं तो उतनी इल्यूमिनेशन हमारे को मिलती जाती है। तो ये वीडियो सिर्फ हमने इसके लिए आप बनाई है जिससे आपको संतुष्टि हो पाए कि एक्चुअल में ये कितनी इल्यूमिनेशन पे जलती है, और जब ये जलती है तो एक्चुअल के अंदर कितनी रोशनी करती है। तो दोस्तों इस वाली वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस प्रोडक्ट के बारे में। तो हमने आपको सारी जैसे कि अभी तक लाइट दिखाई है, और अब 180 वॉट की आपको दिखानी रह गई है, तो 180 वॉट की भी देखते हैं, और उसके बाद आपको हम कंक्लूजन बताते हैं कि कौन सी बढ़िया रहेगी आपके लिए। तो ये है दोस्तों 180 वॉट की, और अगर आप देख सकते हो तो कितनी अच्छी रोशनी है इसकी, और ये कम्प्लीटली सोलर है। मेन थिंग ये है कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं करना पड़ा, बल्कि हमने एक पाइप के थ्रू इसको लगा के इंस्टॉल कर दिया, जो कि अभी टेम्परेरी जुगाड़ है। लेकिन हमारे पास इसके स्टैंड भी हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो भी परचेज कर सकते हो। और अब बात आती है दोस्तों इस रिमोट कंट्रोल की। तो इस रिमोट कंट्रोल के जो फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थ्रू आउट द वीडियो सारी लाइटों के लिए सेम रहेंगे। तो इसके अंदर हमारे को मिलता है दोस्तों ऑन ऑफ का बटन, जैसे कि अगर ये पोल पर लगी हुई है तो ये वन क्लिक से ऑफ हो जाएगी, आपने देखा, और अगर मैं इसको ऑन करना चाहूँ तो ये ऑन हो जाएगी, ये 3 बारी ब्लिंक करेगी। और इसके बाद क्या दोस्तों, एक और चीज़ आती है, अगर आपको इसको हमेशा ऑन रखना है, अगर आप नहीं चाहते कि इंडक्शन वर्क काम करे तो आप इसको ऑलवेज पे क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑलवेज पे ऐसे मींस अगर आपने इसको जो कमांड दी है वो इसने अगर एक्सेप्ट कर लिए तो ये 2-3 बारी ब्लिंक होगी, और ये इसके अंदर ये वाला मोड चालू हो जाएगा। और अगर आप इसको ऑलवेज करके 2 आवर्स 4 आवर्स या 6 आवर्स का अगर आप इसमें बैकअप सेट करना चाहते हैं, कि जैसे कि 7 बजे मीन्स अंधेरा हुआ तो आप चाहते हैं कि ये 6 घंटे ही चले, मीन्स रात को 1 बजे तक ही चले, तो आप इसको ऑलवेज पे करके 6 आवर्स पे सेट करके कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड जो रहता है दोस्तों वो इंडक्शन मोड रहता है, क्योंकि अगर आपने कोई किसी ऐसे प्लेस पे लगाई है जहाँ पे मूवमेंट लोगों की कम है, तो इंडक्शन मोड के लिए इसके लिए रिकमेंडेड रहता है, क्योंकि जिससे क्या होता है कि जब कोई पर्सन आएगा तभी ये ग्लो करेगी 100% पे, अदरवाइज अगर वहाँ पे मूवमेंट नहीं है तो ये 30% इल्यूमिनेशन पे अपने आप को शिफ्ट कर देगी, मींस इसकी 30% लाइट हो जाएगी, आप वे देख सकते हो अच्छी खासी तरीके से। लेकिन उसके 120 डिग्री के एंगल में अगर कोई भी पर्सन आता है तो ये अपने आप ही 100% पे ग्लो कर जाएगी, जितना इस समय कर रही है। तो हम इसको इंडक्शन मोड पे ही सिलेक्ट करके रखते हैं, तो मैंने इंडक्शन मोड सेलेक्ट करा तो ये 2 बारी ब्लिंक हुई, इंडक्शन मोड पे हो चुकी है। इसके नीचे जो PIR सेंसर है वो वर्क करेगा जब मूवमेंट इसको नोटिस करनी होगी। तो दोस्तों ये थी 180 वॉट वाली लाइट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे पे प्यार बरसाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके वीडियोस जो कि इन्फॉर्मेटिव रहती हैं आप सबके लिए।
So see you in next videos with more amazing products. Yeah, I love you.